चलो बेटा, हम लोग बात करेंगे डिस्पर्सन में नंबर वन से। देखिए, हमने आपको पढ़ाया रेंज, मैंने आपको पढ़ाया क्वार्टाइल, मैंने आपको पढ़ा दिया परसेंटाइल डिसेंट। तो ध्यान रखो, डिस्पर्सन में हम लोग क्वेश्चन नंबर वन की बात जब करेंगे, मैंने आपको पढ़ा दिया रेंज को फाइंड आउट कैसे करते हो, एल माइनस एस, है ना, या आप इसको लिख सकते हो एच माइनस एस। एल और एच क्या डिनोट करता है, एच या एल डिनोट करता है हाईएस्ट वैल्यू को, किसी भी फ्रीक्वेंसी के हाईएस्ट वैल्यू को डिनोट, और एस शॉर्टेस्ट वैल्यू को डिनोट करता है। तो हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर वन पर, फाइंड आउट करना है आर एंड इट्स कोफिशियंट। देखोगे इसमें दो पोर्शन दिए गए हैं क्वेश्चन, है ना, देखोगे आप ये सारी आपकी वैल्यू, इन सभी वैल्यू को जब आप चेक कर रहे हो, आप देखोगे सबसे छोटी वैल्यू जो है वो आपकी ये दी है 73। दो डिजिट में केवल एक ही वैल्यू है 73। ये क्या शो करता है, ये शो करता है स्मॉलेस्ट वैल्यू को। आप सबसे लार्जेस्ट वैल्यू की बात करोगे, आप देखो 870 है, ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू। आपने क्या कर दिया, आप फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दिया, 870 माइनस 73 कितना आ गया, 797। ये वैल्यू किसकी होगी, आपकी। फिर आपको कोफिशियंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है, आपको पता है कोफिशियंट ऑफ रेंज का फार्मूला क्या है, एल माइनस एल प्लस एस इक्वल टू क्या है, कोफिशियंट ऑफ रेंज। इस बात को ध्यान रखना है, हमने सेम वैल्यू को एक बार माइनस कर दिया, सेम वैल्यू को एक बार प्लस कर दिया, जो वैल्यू आ गई 797 को डिवाइड कर दिया 943 से, वैल्यू कितनी है कि 0.8। यही वैल्यू क्या है, आपके रेंज की वैल्यू है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक में ध्यान रखेंगे, ये सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पर। तो देखो माइनस की वैल्यू दी गई है सारी, आपको पता है माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे छोटी वैल्यू होगी, है ना। देखो कि जैसे यहां पर माइनस वन, फिर माइनस 20, ध्यान रखना है। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू यहां पर क्या है आपका, एल इज इक्वल टू क्या है माइनस वन, एस इज इक्वल टू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी माइनस 20, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी माइनस वन, ध्यान रखना है। माइनस में अगर आप वैल्यू फाइंड आउट, तो माइनस में जितनी वैल्यू होगी वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे छोटी वैल्यू होगी, इस बात को आप ध्यान, ठीक है। एल की वैल्यू माइनस वन, एस की वैल्यू माइनस 20, वैल्यू को आप पुटिंग कर दिए फार्मूला एल माइनस एस पर, अगेन माइनस वन माइनस माइनस ब्रैकेट में 20, ये कितना हो गया, क्या आ गया आपका 90। कोफिशिएंट आप कैलकुलेट करोगे 19 अपॉन माइनस 20, वैल्यू कितनी आ गई 0.905। इस बात को आपको ध्यान, यहां तक आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर सी पर, या फर्स्ट के सी पर बोल सकते हैं। सी में आओगे देखोगे रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ध्यान रखोगे रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही है, एल माइनस एस, ठीक है। फिर देखोगे यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है माइनस 20, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 20। ध्यान रखना है हमको, आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया एल माइनस एस, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 40, तो रेंज की वैल्यू कितनी होगी आपकी 40। कैसे आ गया ये, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज को ध्यान देना है हमको, यहाँ पर देखो माइनस क्या हो गया 20 प्लस माइनस 20 जीरो आ गई वैल्यू, 40 डिवाइड करूँ क्या आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आगे जाएगा, इस बात को ध्यान। डी में भी इसी तरह करना है, खुद से आप इसको करोगे। क्वेश्चन नंबर दो में आ जाएंगे हम लोग, पूरा का ये ग्रुप दे रखा है आपका, सेल यूनिट दे रखा है, और ये रुपीज में सेल दिया हुआ है, ध्यान रखें। एक्स की वैल्यू यही है, इसी में हमको शॉर्टेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट और फॉर्मूले में पुट करना है। लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई आपकी 985, स्मॉलेस्ट वैल्यू 500, माइनस कर दियो आर आ गया। कोफिशिएंट आप आर क्या, एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो डिवाइड कर दो, 0.37
0.327 वैल्यू आ रही है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, नोट कर लीजिए यहाँ। नंबर तीन में आते हैं हम लोग, मंथ दिया है, प्रॉफिट लॉस दे दिया है ना। सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर, लार्जेस्ट वैल्यू क्या दिया गया है, लार्जेस्ट वैल्यू दिया गया 5000, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1300। ध्यान रखोगे इसी को उठा के आप फार्मूले में पुट कर देंगे, 5000 माइनस माइनस प्लस हो गया कितना आ गया ये 6300। कोफिशिएंट निकालोगे, इसी को एक बार माइनस करोगे सेम रहेगा 6300, प्लस कर दोगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 37 आ गया 1. ये है आपका सोल्यूशन नंबर 3। आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, दो ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आपको ध्यान रखना है ग्रुप 1 में आपको रेंज कैलकुलेट करना है, ग्रुप 2 में रेंज कैलकुलेट। ग्रुप 1 में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू दी गई है 155, लार्जेस्ट वैल्यू 185, माइनस कर दियो रेंज की वैल्यू 30 आ गई, कोफिशिएंट ऑफ रेंज माइनस करो 30 प्लस करो 3340 से वैल्यू आपके सामने है, ध्यान रखेंगे। और सेम पैरामीटर से आप क्वेश्चन नंबर सॉरी ग्रुप नंबर 2 में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नंबर 5 पर। सीरियल नंबर दिए, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन दोनों सब्जेक्ट के टॉपिक में तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का कैलकुलेट करना है। ध्यान रखोगे जब इकोनॉमिक्स की बात करोगे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दी है 30, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 60, है ना। जब आप बात करोगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स, फिर आप बात करोगे मैथ्स में, नोट कर लें माइनस कर दियो रेंज आ गया ये आपका, कोफिशिएंट ऑफ रेंज में कुछ करना है नहीं, प्लस माइनस करो डिवाइड करो जो वैल्यू आ गई। सेम चीज फिफ्थ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। में सबसे इजी कोई टॉपिक है रेंज है, बात को आपको ध्यान। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। इन अ गिवन सीरीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज, है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपको गिवन है 0.6, है ना। मैक्सिमम वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू दे दिया, शॉर्टेस्ट वैल्यू दे दिया, फॉर्मूला यही है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। देखोगे आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू हमने लिख दिया जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे वैल्यू क्या है 1। ध्यान रखोगे 80 माइनस यस स्मॉलेस्ट वैल्यू पता नहीं है आपको, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट है, 80 प्लस यस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, है ना। ये कितना आ गया आपका 48.6 एस इज इक्वल टू 80 यस, है ना। आप क्या करो ये वैल्यू यस को उठा के इधर करो, इस 48 को उधर लेके जाओ, माइनस 48 हो गया 32 आ गया, ये प्लस हो गया 1.6 आ गया, एस इज इक्वल टू 32 डिवाइड कर दोगे इसको 1.6 से, कितनी वैल्यू आ गई आपकी, नोट कर लेंगे इसको हम लोग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर बी है, आप इसको एक बार अपने से करके देखो, नहीं आ रहा है तो आप इधर देखो, सब लोग एक बार लगाएं चले अपने, एक बच्चा बैठा ये लगा नहीं रहा है, आइए भाई
यही ना लाए बच्चा जो ऑफलाइन ही हो चलो कोफिशियंट ऑफ रेंज यहाँ पर देखो दिया है गिवेन है यहाँ पर 0.29 है मैक्सिमम वैल्यू दी है सॉरी मिनिमम वैल्यू दी है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है पिछले क्वेश्चन में क्या था है ना में मैक्सिमम दिया होता मिनिमम फाउंड आउट करना था यहाँ पर अपोजिट हो गया है सेम वैल्यू पुटिंग हो गई है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे वन हो गया ये वैल्यू पुटिंग है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर का इधर से इधर का इधर आ गया ये को उठाओ को उठाओ इधर लेके आओ को उठाओ इधर लेके आओ ठीक है एड हो गया ये इधर माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में हो गया ये इधर माइनस में चला ठीक है फिर एल माइनस 0.29 एल कर दिए 1 एल में से ये माइनस हो गया 0.71 एल आ गया फिर एल इज इक्वल टू बस पुट करके डिवाइड कर दो कितना आ गया 64.5 क्या आ गया लार्जेस्ट बैंड आगे देखो भाई नंबर 7 दिया है फ्रीक्वेंसी दी गई है एक्स की वैल्यू दी गई एक्स की वैल्यू में से शॉर्टेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लो 15 लार्जेस्ट वैल्यू है 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू है रेंज की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेंज 10/20 कर दिया 0.5 आ गया कोई प्रॉब्लम है इट में भी सेम टाइप से देखेंगे हम लोग यहां पर क्लास इंटरवल चेक करो सबसे छोटा क्लास इंटरवल क्या है यहां पर देखोगे 5 है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना 40 क्या है यहाँ पर ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी ध्यान रखो कि फॉर्मूले में पुट किया वैल्यू का डिफरेंस कितने का आ गया 35 रेंज हो गया तो कोफिशिएंट भी सीधा निकाल लोगे 35 को डिवाइड कर दो 45 से 0.77 आगे बढ़ते हैं फिर हमसे हम लोग नंबर 9 में दो पार्ट ए और बी कैलकुलेट करो सब फटाफट अभी मैंने जैसे बताया 9 वैसे ही फिर से करो अपने से हो गया भाई हमारा तो आज 9 का ही देखो क्या ही दिया ही हुआ है देखोगे सब लोग साइन का ये देखेंगे हम लोग क्लास इंटरवल दिया 1 से 10 11 से 20 से 30 31 से 40 41 से 41 से 50 एक चीज ध्यान दोगे हम लोग क्लास इंटरवल मारेंगे है ना ये इंक्लूसिव इसको कंटिन्यू कन्वर्ट करो कैसे कन्वर्ट करोगे हमने आपको बताया है अगर आप चेक करो जब सीरीज पढ़ा रहा था इसमें देखो डिफरेंस कितने का है 1 का इसमें डिफरेंस कितने का है 1 का इसमें डिफरेंस कितने का है 1 का इसमें आप अपना क्लास इंटरवल कैसे सुधारोगे मैंने आपको पढ़ा रखा है डिफरेंस को डिवाइड करो 2 से जब आपने देखा डिफरेंस 1 का था 2 डिवाइड के 0.5 आ गया L1 क्रिएट करोगे क्या कर दोगे 0.5 माइनस कर दोगे L2 बनाओगे क्या कर दोगे 0.5 प्लस कर दोगे फिर से ध्यान दोगे अगर आपको क्लास इंटरवल सुधारना है कंटिन्यू करना है ध्यान देना पड़ेगा आप चेक करोगे डिफरेंस कितने का है 1 का डिवाइड कर दोगे वैल्यू कितनी 5
आपको लोअर लिमिट के लिए क्या करना है, माइनस करना है, अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए प्लस करना है, ध्यान रखना है। 1 में से माइनस करो 0.5, 11 में से माइनस करो 21 में से 41 में से क्या माइनस करो, सब में से माइनस करो 0.5, ध्यान रखो। थर्ड में सारी वैल्यू में क्या करो, प्लस करो क्या 0.5, नोटिंग चालू करो, चालू करो। फिर आपको पता है रेंज की वैल्यू पता चल जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, काम खत्म हो गया, आ गया आपका 50। फिर कोफिशियंट ऑफ रेंज भी इसी तरह निकाल लोगे, माइनस कर दिए, प्लस कर दिए, डिवाइड कर दिए, बाकी कुछ सेम टाइप से बी भी निकाल लेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर देखो मिड वैल्यू दिया है, अगर आप सब में चेक करो जो डिफरेंस है कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखोगे जो डिफरेंस है चेक करो सब में कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप क्लास इंटरवल बनाओगे, डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 2.5 आ गया। क्लास इंटरवल बनाओगे क्या कर दोगे, L1 बनाने के लिए, L1 का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, L2 का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट, ध्यान रखोगे लोअर लिमिट में माइनस करो, अपर लिमिट बनाने के लिए ऐड करो, ध्यान रखोगे जब क्लास इंटरवल बनाए इसमें से माइनस करो, एक बार माइनस करोगे क्या फाइंड आउट हो जाएगा आपको, L1, प्लस करोगे क्या फाइंड आउट हो जाएगा आपको, L2, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो हमारा पहला क्लास इंटरवल 2.5 से 7.5, फिर इसमें माइनस करो प्लस करो, इसमें माइनस करो प्लस करो, आता चला गया कि नहीं आ गया, ध्यान रखेंगे हम लोग। ये हमारा लार्जेस्ट वैल्यू हो गया और ये हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया, ताकि हमने रेंज के फॉर्म में पुट कर दिया, डिफरेंस हमारा क्या आ गया, रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, माइनस किया 25, प्लस किया 30, डिवाइड किया 8, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सी पे आते हैं। देखोगे क्लास इंटरवल दिया है, है ना, हमको रेंज निकालना है, सबसे छोटी वैल्यू क्या दी है आपकी, यहाँ पर देखोगे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये हो गई, लार्जेस्ट वैल्यू ये हो गई, फार्मूले में पुट कर दिए, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आ गया 60, वो क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फाइंड आउट करोगे 0 माइनस कर दिए 60 आ गया, प्लस कर दिए 60 आ गया, वैल्यू कितनी आ गई। ये पूरा सोल्यूशन जो अभी तक पढ़ा आपने 1 से लेकर 9 तक रेंज का, यहां तक आप सवाल लगाओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप पूछो फटाफट। तो भाई चलो फिर ठीक है, यहाँ तक सब लोग कर लो, आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करते हैं।